हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा लीडरशिप एकेडमी। आज हम फिर एक पॉलीपेप्टाइड क्लास के एंटीबायोटिक के साथ आए हैं, और ये ऐसा एंटीबायोटिक जिसका टॉपिकल यूज भी होता है, जिसको ऑफ्थैल्मिक यानी कि आँख वाले आई प्रिपरेशंस में भी यूज किया जाता है, और जिनको इंजेक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। आई थिंक आपका गेस आप सोच चुके होंगे कि वो कौन सा एंटीबायोटिक है। येस, द गेस इज पॉलीमिक्सिन बी की मैं बात कर रहा हूँ। पॉलीमिक्सिन बी एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलीमिक्सिन बी इंजेक्शंस की। जैसा कि अगर आप पॉलीमिक्सिन बी की पैकिंग को देखेंगे, तो पॉलीमिक्सिन बी में आप देखेंगे पॉलीमिक्सिन बी 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स में IU लिखा रहता है, तो 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स की पैकिंग होती है। और अगर हम बात करेंगे इसके डोजिंग की, तो 15,000 to 25,000 यूनिट्स पर किलोग्राम पर डे का इसका डोज होता है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसकी लो है, यानी अगर हम बात करें तो। और लेकिन हाँ, अगर एल्डरली पेशेंट हैं या रीनल इम्पेयरमेंट का केस है, तो आपको वहाँ डोज एडजस्टमेंट की नीड पड़ेगी। और यहाँ पर पॉलीमिक्सिन बी के बारे में आपको बता दूँ, पॉलीमिक्सिन बी इज कम्पोज ऑफ इसमें B1, B2, B3 and B6। स्पेसिफिकली जो B1 और B2 कंपोनेंट होते हैं, दे आर द मेजर कंपोनेंट, B3 and B6 आर द माइनर कंपोनेंट्स। और पॉलीमिक्सिन बी में हम बात करें तो ये कैटायनिक नेचर होता है इसका, और ये क्या करता है ना कि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी परमेबिलिटी को अल्टर कर देता है। और कैसे कि जो LPS लेयर है, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर, उसमें जो पॉजिटिव कहते हैं ना कि जो निगेटिव आयंस होंगे, और ये आपका जो ये कैटायनिक नेचर है, तो ये जाकर के वहाँ पर बाइंडिंग करके अल्टरेशन करता है परमेबिलिटी को। और फाइनली मैं बताऊँ कि पॉलीमिक्सिन बी एक बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक है, और इसका जो एक्शन की हम बात करें तो मोस्टली ये जितने भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है, एंड इट्स नेचर इज बैक्टीरियसाइडल, मीन्स किलर ऑफ बैक्टीरिया। और अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव के लिए, तो लिटिल और नो इफेक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये रहा पॉलीमिक्सिन बी के बारे में। अब हम आइए डिटेल में इसके बारे में देखते हैं पॉलीमिक्सिन बी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे पॉलीमिक्सिन बी इंजेक्शन पॉलीपेप्टाइड क्लास ऑफ ड्रग एंटीबायोटिक। यहाँ B1, B2, B3, B6 मेजर कंपोनेंट B1, B2 होते हैं, और पॉलीमिक्सिन बी इंजेक्शन USP 5 लाख IU बोले थे इंटरनेशनल यूनिट्स। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको यहाँ पे कंसर्न है, याद होना चाहिए यहाँ पे कि एक्सेलेंट सेंसिटिविटी अगेंस्ट स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली बात करें सिंपल स्यूडोमोनास एरिजिनोसा इन्फेक्शन में, नो MDR ड्यू टू स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस ड्यू टू स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। और यहाँ पे हम बात करें टू ट्रीट UTI एंड मेनिनजाइटिस, अगर स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के कारण UTI हो रहा है या H इन्फ्लुएंजा के कारण मेनिनजाइटिस हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये बेटर चॉइस है। और अगर हम इसको कार्बापेनम के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, यानी कि मेरोपेनम के साथ हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं, मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करेगा, और पेशेंट की कहते हैं ना लाइफ कंडीशंस को और इम्प्रूव करेगा। यूनिट मैंने आपको बताया 15,000 to 25,000 यूनिट पर किलोग्राम पर डे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहाँ से मिलता है, तो पॉलीमिक्सिन बी इज डिराइव फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस पॉलीमिक्सा से हमें मिलता है। और जैसा मैंने बताया कि पॉलीमिक्सिस कैटायंस बेसिक पेप्टाइड्स, ठीक है ना, दैट एक्ट लाइक डिटर्जेंट, ये सर्फेक्टेंट लाइक इनका बिहेवियर होता है। और आगे देखिए, बैक्टीरियसाइडल फॉर ऑलमोस्ट ऑल ग्राम नेगेटिव बैसिलाई एक्सेप्ट प्रोटियस और नेजरिया में क्या इस पर काम नहीं करेगा, और लिटिल आर नो इफेक्ट ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। अभी हम फिर आपको बताते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे, ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को कैसे अल्टर करता है, और फाइनली सेल डेथ कैसे होती है, बैक्टीरियल की डेथ कैसे होती है, ये हम आपको बताते हैं। और भी कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके हम आपको बताते हैं। ये आपने पॉलीमिक्सिन बी का जनरल इन्फॉर्मेशन देगा, अभी मैं बताऊँगा पॉलीमिक्सिन बी का मोड ऑफ एक्शन। देखिए, पॉलीमिक्सिन बी एंटीबायोटिक एक बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक है, और ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर करता है, दिस फाइनली लीड टू बैक्टीरियल डेथ। लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे ये करता है, हाउ इट डू, तो अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है ना, जो हमारा पॉलीमिक्सिन बी होता है, पी फॉर पॉलीमिक्सिन, बी फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इसमें अमीनो ग्रुप होते हैं, साइक्लिक पेप्टाइड चेन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो ग्रुप होते हैं, और जो बैक्टीरिया का LPS लेयर है, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर, उस वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये जा करके वहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। तो जब ये बाइंड कर जाएंगे तो क्या होगा, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी अल्टर होगी, और फाइनली बैक्टीरियल डेथ हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरे में क्या होता है, इसका जो फैटी एसिड पोर्शन होता है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके हाइड्रोफोबिक रीजन में जाके डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वही फाइनली
बैक्टीरियल डेथ हो जाएगा। दूसरी बात करें, ये जो पॉलीमिक्सिन बी होता है एंडोटॉक्सिन से जाके बाइंड कर जाता है, तो एंडोटॉक्सिन से जाके बाइंड करते हैं, ये भी फाइनली बैक्टीरियल डेथ में कन्वर्जन होगा। और एक होता है कि ये जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लीकेज, कहते हैं लीकेज ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूल्स, तो अगर सेलुलर मॉलिक्यूल्स का लीकेज होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो भी फाइनली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। यानी ये पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं जहाँ से पॉलीमिक्सिन भी काम करता है और ये बैक्टीरियल डेथ काज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने की बात है, जहाँ भी MDR केसेस यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस ड्यू टू स्यूडोमोनास एरोजिनोसा मिलेंगे, एल्डरली पेशेंट्स में या रिनली कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, अगर वहाँ स्यूडोमोनास एरोजिनोसा का इन्फेक्शन पाया जाता है तो ऐसे में MDR केसेस में द पॉलीमिक्सिन बी विल बी द प्रेफर्ड चॉइस। और पॉलीमिक्सिन बी को हम कार्बापेनम के साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, तो वहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलेगा। आइए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी अगर हम इसी पेप्टाइड क्लास के एंटीबायोटिक की बात करें तो कोलिस्टीन से कम टॉक्सिसिटी इसकी है। और दूसरी बात देखिए, जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में तो पॉलीफिक ये गुफिक बायोसाइंसेस का, मिक्सिनिप इंडिया बुल्स का, पॉलीटफ एबर्ट का, पैक्समिड सिप्ला का, यूनिपॉल यूनाइटेड बायोटेक का, जोलाबीन फ्यूजन का और एनवैक्सिन वोकार्ड का। इसमें अगर हम बात करें कि अगर कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रांड है तो पॉलीफिक फ्रॉम द गुफिक बायोसाइंसेस लिमिटेड इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रांड। तो अगर हम ये यूज़ करते हैं पेशेंट में तो हम काफ़ी पेशेंट पे इकोनॉमिकल लोड काफ़ी कम पड़ेगा। और दूसरे में हम बात करें तो मिक्सिनिप है इंडिया बुल्स का, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जो इंजेक्शन के रूप में यूज़ करते हैं ना पॉलीमिक्सिन बी को, यहाँ पे अगर MDR ड्यू टू स्यूडोमोनास एरोजिनोसा का केस है तो वहाँ पे IV इंट्रावेनस यूज़ करेंगे। और इंट्रावेनस बनाने के लिए जो पॉलीमिक्सिन बी का 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, इसको आप 300 to 500 ml डेक्सट्रोज 5% में पॉलीमिक्सिन का अगर IV देते हैं तो 12 hourly इन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसको मेनिनजाइटिस ड्यू टू हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में यूज़ करते हैं, इसको ओनली इंट्राथीकल यूज़ करेंगे। और इसके लिए प्रिपरेशन सॉल्यूशन का कैसे करेंगे, पॉलीमिक्सिन भी 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्लस 10 ml NaCl, और इसके लिए इसका आपको प्रिपरेशन रेडी करके इंट्राथीकल देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर रीनल इम्पेयरमेंट है वहाँ पर डोज शुड बी एडजस्टेड, अगर रीनल इम्पेयरमेंट का केस है तो डोज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और डोज विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम नॉर्मल डोजिंग, नॉर्मल डोजिंग से आपको डोज रिड्यूस करना पड़ेगा। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि डोज पॉलीमिक्सिन बी का यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जैसे कि 15,000 से 25,000 यूनिट्स पर किलोग्राम पर डे का डोज होता है। मैक्सिमम डेली डोज अगर हम बात करें 25,000 यूनिट्स पर किलोग्राम पर डे। और हम एक केस लेते हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी वेट है 50 किलोग्राम, अब हमें ये निकालना है कि यहाँ पे हमें इस पॉलीमिक्सिन बी का डोज क्या होगा, कितनी वायल देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देखेंगे, अगर हम बात करें 15,000 यूनिट्स पर किलोग्राम पर डे, तो यानी कि पर किलोग्राम का 15,000 यूनिट है, तो 50 किलोग्राम का कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 10 100 1000 10000 lakh, यानी 7,50,000 यूनिट चाहिए आपको। और आपका जो 1 vial होता है वो 5 lakh इंटरनेशनल यूनिट का होता है, यानी 1 vial सफिशियंट नहीं है, आपको 2,50,000 और चाहिए। इसका मतलब आपको चाहिए 2 vial। तो आप क्या करेंगे ना कि जैसे 1 vial सोल्यूशन रेडी किया, दूसरे वायल का भी सोल्यूशन रेडी करेंगे, यानी 1 vial का कंप्लीट सोल्यूशन लेंगे और दूसरे वायल का जो 0.5 यानी कि 50% सोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा, और जो 50% यानी आपको 1.5 vial हो जाएगा, तो यानी 5 lakh प्लस 0.5 का 2,50,000, यानी 7,50,000 यूनिट्स आपकी डोज कंप्लीट हो गई। और इसके बाद आपको देखिए क्या होगा कि आपका जो रेस्ट बच गया ना, यानी 0.5 पर यानी 50% जो आपका प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बच गया, उसको आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और इसको 72 आवर्स के अंदर यूज़ करना होगा आपको। अगर 72 आवर्स के अंदर यूज़ नहीं किया आपने तो डिस्कार्ड करना होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट कंसर्न रहा, अगर ऐसे ही 60 किलोग्राम बॉडी वेट होगा तो आपका डोज डिसाइड करना होगा, ऐसे 70 होगा तो डिसाइड करना होगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, पॉलीमिक्सिन बी को हम इन्फेंट्स में भी दे सकते हैं, यानी छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं, वहाँ पे अपना डोज उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे पॉलीमिक्सिन बी के बारे में। तो आज आपने देखा पॉलीमिक्सिन बी के बारे में, जो कि मैंने आपको एक समराइज फॉर्म में बताया कि पॉलीमिक्सिन बी इसको हम टॉपिकल यूज़ में भी लेते हैं, ऑप्थेल्मिक में यूज़ होता है, और इंजेक्टेबल में भी IV इन्फ्यूज़न के रूप में भी दे सकते हैं MDR ड्यू टू स्यूडोमोनास एरोजिनोसा के केसेस में, और हम इसको इंट्राथीकल दे सकते हैं मेनिनजाइटिस केसेस में ड्यू टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन मैंने बता दिया, बाकी इसका मेन डोज कैलकुलेशन होता है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, पॉलीमिक्सिन बी का जो यूज होता है वो उसको हम कार्बापेनम एंटीबायोटिक के साथ अगर देते हैं तो कहते हैं एथिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा और जो मॉर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। साइमल्टेनियसली आप इसको जैसे पिप्रासिलिन, डाइजोबैक्टम है, एनी अदर एंटीबायोटिक के साथ भी दे सकते हैं बेटर रिस्पॉन्स के लिए। तो ये आपको पॉलीमिक्सिन बी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहा। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही फिर नई वीडियोज़ के साथ फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।